हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके आने वाले रेलवे लोको पायलट के मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। अगला दो नंबर प्रश्न है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य से संबंधित है। फैराडे का नियम जो है वो विद्युत अपघट्य से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? प्रश्न है तीन नंबर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो शून्य होता है। अगला दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका परावैद्युत स्थिरांक पूछ दे तो हमेशा एक से अधिक होगा। ठीक है, अगला पाँच नंबर प्रश्न है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 × 10^5 जूल के बराबर होता है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 36 × 10^5 जूल या 3.6 × 10^6 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। आइए अगला देखते हैं छः नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीन और सीसा की। जो फ्यूज की तार होती है वो टीन और सीसा नामक दो मिश्र धातुओं की बनी होती है। अगला सात नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के संरक्षण पर। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह विद्युत धारा से संबंधित है। किरचॉफ का दोस्तों दो नियम है, एक है KCL और एक है KVL। ठीक है, तो जो KCL है, KCL मतलब किरचॉफ्स करेंट ला और KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज ला। तो ये जो प्रथम नियम KCL है वह करेंट से संबंधित है यानी कि धारा से, विद्युत धारा संबंधित है, और जो दूसरा नियम किरचॉफ्स का है वह वोल्टेज से संबंधित है। ठीक है, अगला आठ नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। किसको? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए। अगला नौ नंबर प्रश्न है, धारिता किस प्रकार की राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदिश राशि है। धारिता जो है अदिश राशि है। ठीक है, अगला दस नंबर प्रश्न है, किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? प्रश्न है एक बार और, किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। चालक में चार्ज की यानी कि आवेश की गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला ग्यारह नंबर प्रश्न है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल के द्वारा ही विद्युत क्या होता है? चलता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। किस बल के कारण? विद्युत वाहक बल के कारण। इसको इंग्लिश में EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। अगला बारह नंबर प्रश्न है, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन से। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला तेरह नंबर प्रश्न है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात जो होता है वो कैसा होता है? तो समान होता है। कोई भी बंद परिपथ हो उसमें वोल्टेज और विद्युत धारा का अगर अनुपात पूछ दे तो वो क्या होता है? समान होता है। एक समान होता है दोनों का अनुपात। अगला चौदह नंबर प्रश्न है, वह मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है? मतलब मीटर जो विद्युत धारा मापता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। अगर मीटर विद्युत धारा मापता है तो वह अमीटर, और अगर वोल्टेज मापता है
तो वोल्ट मीटर, और अगर प्रतिरोध मापता है तो ओम मीटर। ठीक है, तो प्रश्न है 15 नंबर, मीटर जो वोल्टेज मापता है वह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला 16 नंबर प्रश्न है, मीटर जो प्रतिरोध मापता है वह कहलाता है, तो ओम मीटर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध मापता है तो वह ओम मीटर, विद्युत मापता है तो आमीटर, और अगर वोल्टेज मापता है तो वोल्ट मीटर। अगला 17 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, पीटी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक यानी कैसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलो वोल्ट में। जो लंबी संचारण वाली लाइन होती है उसमें वोल्टेज की माप हम लोग किलो वोल्ट में करते हैं। ठीक है, किलो वोल्ट में करते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा होता है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। दोस्तों प्रतिरोध के बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है 19 नंबर प्रश्न में, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर 20 नंबर प्रश्न है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आंसर घटता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। अगला 21 नंबर प्रश्न है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी भी दोस्तों किसी भी चालक का अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए तो वो उसके बनावट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो बनावट पर निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट पर निर्भर करता है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से क्या संबंध है, किस नियम संबंधित है संबंध है? तो एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब का नियम से। कूलम्ब का नियम से दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वह संबंधित है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। जो वस्तुओं में आवेशन होता है, चार्ज होता है, वह किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यह वस्तुओं का आवेशन होता है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, धातु जो विद्युत का सुचालक होती है, धातु विद्युत का सुचालक होती है, क्यों होती है? प्रश्न पूछ रहा है धातु विद्युत का सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिस कारण वो विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, अगला 25 नंबर प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। तथा दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।